हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वीवो के X80 प्रो वर्सेस सैमसंग के S22 अल्ट्रा से। तो पूरा कंपैरिजन हम वीडियो के अंदर करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो X80 प्रो के अंदर जो डिस्प्ले आती है वो हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं अगर S22 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो वहाँ जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है वो डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि इसमें डिस्प्ले में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले जो होती है वो एक ही कलर के 1,00,000 शेड्स बनाती है, और डायनेमिक एमोलेड जो डिस्प्ले होती है वो एक ही कलर के 20,00,000 शेड्स बनाती है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद अगर डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ तो 6.7 की जो डिस्प्ले साइज़ होती है वो X80 प्रो में मिलती है, और 6.8 की जो डिस्प्ले साइज़ होती है वो S22 अल्ट्रा में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि S22 अल्ट्रा में कोई नोच वगैरह या बेजल्स जो होते हैं हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसी वजह से उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो 92.1% हमें देखने को मिलता है। X80 प्रो का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो हमें 90% ही देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो दोनों में 120Hz की रिफ्रेश रेट दोनों में सेम हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन के लिए हमें वीवो X80 प्रो में प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है वो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर सैमसंग की बात करता हूँ तो सैमसंग में हमें जो प्रोटेक्शन देखने को मिलता है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी तक किसी भी फ़ोन में नहीं आते हैं। सैमसंग के अलावा किसी फ़ोन में हमें विक्टस प्लस ग्लास देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि एक टफेस्ट ग्लास है मोबाइल इंडस्ट्री का। ये सबसे एक अच्छा प्लस पॉइंट हमें सैमसंग में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो दोनों की डिज़ाइन लगभग मेट फिनिश की डिज़ाइन है, और X80 की डिज़ाइन तो हमें वीवो के जो पुराना मॉडल X70 आया था सेम वैसी हमें डिज़ाइन देखने को मिलती है। मैं अगर S22 की डिज़ाइन की हम बात करते हैं, इसमें भी हमें S21 के जैसी डिज़ाइन देखने को मिलती है, बस थोड़ा सा पीछे से कैमरे का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं कैमरे की। X80 प्रो में जो हमें कैमरा देखने को मिलता है वो 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है विथ OIS के साथ में, और अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा जो हमें देखने को मिलता है वो 48MP का मिलता है। 12MP का उसमें टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, और 8MP का उसमें पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है, जो कि उसमें जूमिंग के लिए काम आता है। वहीं अगर S22 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो S22 अल्ट्रा में जो मेन कैमरा है वो 108MP का हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा देखने को मिलता है, और अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा 12MP का देखने को मिलता है, और टेलीफोटो लेंस हमें 10MP का, और पेरिस्कोप लेंस जो कि इसमें ऑप्टिकल जूमिंग के लिए काम आता है वो 10MP का मिल जाता है। इसमें जो जूमिंग के लिए फीचर्स दिया गया है दोनों ही फ़ोन में अलग अलग है। X80 प्रो की अगर जूम की बात करते हैं तो उसमें जो जूम होता है वो ऑप्टिकल जूम 5x तक करता है, और डिजिटल जूम जो करता है वो 60x तक करता है। वहीं अगर मैं सैमसंग की बात करता हूँ तो सैमसंग में जो ऑप्टिकल जूम करता है वो 10x तक करता है, डिजिटल जूम जो करता है वो 100x तक करता है, और 100x तक भी जूम होने के बाद इसमें फोटो वगैरह कोई ब्लर नहीं होता है। क्योंकि जितना भी आप फोटो को जूम करोगे तो इसमें एक जूम लॉक का फीचर आता है, आप उसको ऑन कर दोगे तो जितना भी आप जूम करोगे उसके बाद अगर आपका हाथ भी हिलता रहेगा तो फोटो ब्लर नहीं होगा, फोटो बिल्कुल क्लियर रहेगा उसमें। फ्रंट कैमरा जो X80 प्रो का हमें देखने को मिलता है वो 32MP का मिलता है, और S22 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो S22 अल्ट्रा में जो फ्रंट कैमरा है वो 40MP का कैमरा देखने को मिलता है। दोनों ही कैमरे से, फ्रंट कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। कैमरे के बाद हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए दोनों ही फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 4nm का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोनों ही फ़ोन में कि 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएंट की, तो X80 में जो हमें वेरिएंट देखने को मिलता है वो 8GB और 256GB, 12GB और 512GB का वेरिएंट देखने को मिलता है। वहीं अगर S22 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो उसमें जो वेरिएंट आता है वो 12GB और 256GB और 12GB और 512GB का हमें वेरिएंट देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी की, तो X80 प्रो में जो बैटरी आती है 4700mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है। मैं अगर S22 अल्ट्रा की बैटरी की बात करता हूँ तो 5000mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। बैटरी के बाद हम बात करते हैं चार्जर की, तो X80 प्रो में जो चार्जर जो सपोर्ट करने देखने को मिलता है वो 80W का चार्जर सपोर्ट करता है। मैं अगर S22 की बात करते हैं तो S22 में 45W का चार्जर भी सपोर्ट करता है। दोनों ही फ़ोन में USB Type-C का पोर्ट हमें देखने को मिलता है। दोनों ही फ़ोन में जो 3.5mm का जैक है वो हमें देखने को मिलता है। दोनों ही फ़ोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। IP68 की रेटिंग दोनों ही फ़ोन में मिलती है हमें देखने को। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का हमें सेटअप मिल जाता है। S22 अल्ट्रा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा गेम चेंजिंग जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वहाँ सैमसंग के S Pen का फीचर हमें देखने को मिलता है, जो कि S सीरीज में पहले कभी आया नहीं था। नोट सीरीज में आता था, तो कंपनी ने नोट सीरीज़ का जो S Pen है वो हमें S सीरीज में दे दिया। तो S सीरीज कि मैं जो S Pen आ रहा है आप उससे बहुत अच्छा से यूज़ ले सकते हैं, उसमें आप नोट टेकिंग कर सकते हैं, आप उसमें स्क्रीन ऑफ मेमो से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्क्रीन ऑफ है फिर भी आपको अगर कुछ नोट वगैरह करना है तो डायरेक्ट आप ऑफ स्क्रीन से भी उसको नोट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर में S Pen का देखने मिलते हैं। कैमरा में हम यूज़ कर सकते हैं S Pen को, एज ए रिमोट यूज़ कर सकते हैं। गैलरी के अंदर हमें S Pen के लिए डायरेक्ट स्वाइप अप साउट डाउन करेंगे तो गैलरी में भी फोटो आगे पीछे हो जाएंगे, नेक्स्ट और प्रीव्यू हम कर सकते हैं उसमें। तो S Pen के काफ़ी अच्छे फीचर हमें देखने मिल जाते हैं। एडिटिंग के लिए भी S Pen का काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है।
अगर एस पेन का यूज़ आप कर सकते हो तो एस पेन काफ़ी एक अच्छा गेम चेंजर साबित हो सकता है सैमसंग के लिए। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो प्राइस में दोनों में फ़र्क आएगा। X30 की जो प्राइस है वो लगभग 80,000 के आसपास है और S22 Ultra की जो प्राइस है वो 110,000 के आसपास है। और 110,000 की जो प्राइस आ रही है तो उसमें भी सैमसंग में काफ़ी ऑफर देखने मिलते हैं, जो कि एक 12,000 का डिस्काउंट अलग मिल जाता है। तो साथ में वॉच भी आ रही है, अगर वॉच नहीं लेता है तो उसका डिस्काउंट भी हमें अलग मिल जाता है, तो प्राइस लगभग उसी के आसपास पहुँच जाती है। अगर 80,000 का फ़ोन आप परचेस कर रहे हैं तो कम से कम थोड़े से पैसे को मिला के आप अच्छे ब्रांड में जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो जिसमें मैंने बताया कि सैमसंग S22 Ultra वर्सेज वीवो के X80 Pro में कंपैरिजन किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे कंटेंट आपको देखना मिलता रहे। थैंक यू।